जूम कर लेना जो कि फील्ड के आज अच्छे मशहूर खिलाड़ी है दीपू रैना और यूबी महीना आया भाई लड्डू सही सेट कर लियो लड्डू आया बल्लेबाज पहुंचा दे पुलिस लाइन टीम के कप्तान पंकज भैया और सलामी जोड़ी मैदान पर जाती हुई पंकज और आदिल खान की सलामी जोड़ी और जागोस के साथ उतरती हुई उमरी टीम के कुछ खिलाड़ी बाहर मैच खेलने के लिए चले गए हैं शिवम औजार रामजी जो कि इस मैच में उपस्थित नहीं है उज्जैन खेलने के लिए गए हैं चलिए तुम और आज के मैच के भैया ओपनिंग पहुंचा दो भैया अनिल भैया हेलो 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 बजंदे लेग अंपायर सुमित स्टार्ट करा स्टार्ट आया भैया ये फील्डिंग थोड़ी कसम की है बोल अच्छे नहीं हेलो पहला ओवर लेकर आए हैं सर्वेंद्र यादव उनका सामना करेंगे पंकज और नॉन स्टार हैंडबॉल होंगे आदिल और नई गेम से मैच कराया जाएगा दोनों ही टीमों के लिए नई गेम दी जाएंगी हाँ और अच्छे मध्यम गति के बॉलर काना ज्यादा खतरा नहीं रहेगा सर्वेंद्र यादव और आगे और तरीके तो इसके भी बॉन्डे लाइन के बाद पारी की शुरुआत करते हुए पंकज पहली गेंद पर पहला चौका ग्राउंड शॉट से थी बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चार और गेंद को प्लेसमेंट किया कई रन में अभी अच्छे अंदरी गेंदबाज है सर्वेंद्र यादव लेकिन उतने अच्छे बल्लेबाज पंकज जो कि शतक लगाया था और आज अगली बॉल सर्वेंद्र की सामना करेंगे पंकज और ये अच्छी डिलीवरी और रन चुरा लिया है एक ही रन संतुष्ट बढ़ते हुए स्कोर 5 रन और ये रन आउट का मौका लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया कोई जोखिम लेना नहीं चाहेंगे अगली बॉल पाना जी और ये बाउंसिंग बॉल बहुत सुधीर स्लिप के हाथों में डॉट बॉल काफी अच्छी कसूरी गेंदबाजी करते हुए काना मुटली बजाते हैं धीरे धीरे अगली बॉल फिर से एम्पायर को पार किया और बल्ले की तरफ गेंद कोई बिल्डर मौजूद नहीं गैप में शॉट और बिल्डर मौजूद नहीं और ये दो रन चुरा लिए हैं बढ़ते हुए स्कोर 7 रन ओवर की समाप्ति एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 7 रन विकेट लॉस
अब अगले बॉलर आए हैं टीम के कप्तान अटल यादव, जर्सी नंबर 24। इन्होंने जिंदगी बिता दी अपनी क्रिकेट में। अगली बॉल सामना करेंगे पंकज, और ये अच्छा शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, फील्डर मौजूद रोहित, एक रन और बढ़ते हुए स्कोर 8। अब किसका खेल करेंगे आदिल, बाउंड्री के पार होगी लेकिन नहीं, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग रोहित के द्वारा, एक रन और बढ़ते हुए स्कोर 9 रन। ग्राउंड में भैया मैच चालू हो गया है तो बार बार बाइक ना घुमाएं। अगली बॉल अतुल की, सामना करेंगे पंकज, अतुल एम्पायर को पार करते हुए पंकज के लिए, फील्डर लिया है संजय, और ये क्या कह रहे हैं, फील्डर लिया और ये डाली और ये विकेट दिलाई संजय। और पंकज के रूप में पहला विकेट गिरते हुए काफी अच्छी कप्तानी देखने को मिली। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, अगले बल्लेबाज आए हैं सर जी, शायद पहला मैच खेल रहे हैं आज। और गौ माता ग्राउंड पर आती हुई तो निकाल रहे हैं अंशुल भैया, क्या चित्रई भरी कप्तानी देखने को मिली अतुल यादव की तरफ से, फील्डर बाहर लिया गेंद डाली और ये विकेट दिलाई, बड़ा विकेट पंकज के रूप में गिरते हुए, अंकित बाबू विकेट निकाल दे। अगली बॉल अतुल की, सामना करेंगे सर जी, क्या गेंदबाजी का नजारा है, दो गेंदों पर दो सफलता, अगले बल्लेबाज अनिल काले का कैच लिया विराट ने, सतीश यादव, और अब हैट्रिक पर होंगे अतुल, और सामने स्टैग हैंड पर होंगे शतक भी अनिल। काफी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए अतुल थमा हुआ स्कोर 9 रन, दूसरा ओवर चलता हुआ प्रगति पट्टी में स्कोर 9 रन। कहना भैया मोबाइल रख दें आप, ये पेनल्टी 2100 रुपए लग जाएगी, इतनी तो आपकी एंट्री भी नहीं है। अगली बॉल आते ही बल्ले का मुंह खोला डायनाग्राम कोई सी सर्वे पर सेकेंड सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन, बढ़ते हुए स्कोर 15 रन। हेलो बस अगली बॉल सामना करेंगे काफी दूर भी तो से गेंद बाउंड्री पर जाती हुई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर हो गई कि नहीं, नहीं हुई, बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन, 2 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 17 रन 2 विकेट। हेलो नीचे कलई लाए जाए, जिगर कहाँ है जिगर, कलई भर ले तभी हम जिगर, विपिन को फोन लग रहा हूँ। अगली बॉल अगले बॉलर आए हैं काना, उनका सामना करेंगे आदिल,
खाना एम्पायर को पार करते हुए आदिल के लिए ये बॉल। काफी अच्छी प्लेसमेंट, बॉल को सम्मान दिया क्योंकि काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं आदिल। बॉल को समझते हैं, परखते हैं, उसके बाद बड़ा शॉट लगाते हैं। अगली बॉल काना की सामना करेंगे आदिल, और ये बड़ा शॉट मैंने पहले ही कहा था, बॉल को समझते हैं, परखते हैं, उसके बाद बड़ा शॉट लगाते हैं। बॉल सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, फिर बढ़ते हुए स्कोर 23 रन। अगली बॉल काना की सामना करेंगे, रुक जाए एक मिनट एम्पायर रोक ले। अगली बॉल काना की सामना करेंगे आदिल, काफी प्लेसमेंट और रन लेने की कोई कोशिश नहीं क्योंकि सामने फील्डर है अकल। अगली बॉल काना की सामना करेंगे आदिल, और से बड़ी सबकी कोशिश, काफी बड़ी अपील। अरे दीपा भैया बात कर ले, पीछे तक गिरे बोली बैट बॉल निकल गई तब एम्पायर थोड़ी लेगा, एम्पायर आउट देगा जो आउट नहीं है। डिस्कस करो तुम कैसे आउट दे सकते हो, काफी गलती है एम्पायर से हो जाती है, इंटरनेशनल में भी होती है। अगली बॉल सर्विंग की और ये खराब बिल्डिंग मौका था। अगली बॉल फंसाया है अनिल को नीचे हुए में फिल्डर, और ये आउट किया है अनिल को। काफी अच्छे गेंदबाज काना फंसाया और ये पवेली जो जाना पड़ा। ओवर की समाप्ति, तीन ओवर है, तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 24 रन 3 विकेट। अब अगले बल्लेबाज आए हैं 38 जर्सी नंबर 17 काफी अच्छी गेंदबाजी काने के द्वारा फंसाया है अनिल को। लालच भरी गेंद, तो मैं पहले ही कहता हूँ लालच बुरी बला है। अगली बॉल अतुल की सामना करेंगे आदिल, काफी अच्छी डिफेंसिव शॉट और ये रन चुरा लिया है उतनी अच्छी फील्डिंग विराट के द्वारा, एक ही रन से संतुष्ट। बढ़ते हुए स्कोर 25 रन। हाँ मंगली से गुजार से अगर आपको मैच रखना है तो जितने का मन हो उतने का उसके बाद खेल लें आप, चाहे पाकिस्तान तो बुला लिए तुम ठीक, मैच 50,000 तक कम नहीं हुई है और अन्ना चेट है। अतुल सामना करेंगे 38, डिलीवरी इतना अच्छा डिफेंसिव शॉट डॉट डिलीवरी। अगली बॉल अतुल की सामना करेंगे 38 और बल्ले का किनारा और ये इंपैक्ट का इशारा आना बाकी आउट, और कुछ बड़ा नहीं कर पाए और पवेलियन की ओर जाते हुए आतिश। अगले बल्लेबाज का नाम बता दे भैया,
खेलने दी थी थोड़ा अंकुश ने। और चार विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 25 रन। अगले बल्लेबाज का नाम बता दें भैया। विजय लकड़ी बुरा डारे उस पे चलो कर दी साठ विकेट। और कुछ नाम है इसमें उनका विजय चौहान। एक मिनट रोक लें टेम्पर ऊपर आया ना ऊपर चालू रहने दें। ठीक है चालू रहने दें। लिख भी कार्य कोई है श्यामवीर कहाँ है श्यामवीर। अगली बॉल अतुल की सामना करेंगे और अच्छा ग्राउंड शॉट स्टेट आउट शॉट रन चलाने की कोशिश लेकिन कोई झुकी लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि अभी तक चार विकेट पवेली की ओर जा चुके हैं। अगली बॉल अतुल की सामना करेंगे काफी अच्छे मजे हुए गेंदबाज है अतुल यादव जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं अतुल। अगली बॉल अतुल की सामना करेंगे लेकिन डॉट डिलीवरी ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर बताओ से अमीर 25 रन चार विकेट। चल ठीक है अब अगले बार आए हैं फिर से काना जिनकी मुरली धीरे धीरे बरसी है। एम्पायर को पार करते हुए काना उनका सामने करेंगे आदिल। बड़ा शॉट ऊपर गए बाउंड्री के लाइन के बाहर बड़ा शॉट छक्का यह है बड़ा छक्का की सामना करेंगे अभी तक बंदी कमेंट्री बॉक्स पर आओ गेंद हमें मिली है इतने आओ बढ़ते हुए इसको 47 रन। ठीक है मिल गई है अगली बॉल फिर से सामना करेंगे फिर कट शॉट फिर फील्डर मौजूद कोई रन नहीं डॉट डिलीवरी नहीं मिली और लोग चले जाए बूफे को बैठा दो ना कमेंट्री पे। 16 गेंदों में 32 रन बनाकर खेल रहे हैं आदिल खान। अगली बॉल फिर से झुमका था तो आपने कहा इसलिए टूर्नामेंट में इनको बैन किया गया था। एम्पायर ने आपने ध्यान नहीं दिया तो कमेटी सदस्य ने बताया। ठीक है हाँ सही बात है अगली बॉल विराट की सामना करेंगे आदिल और कट शॉट नजाकत बड़ा शॉट पीछे फील्डर मौजूद लेकिन अच्छी फील्डिंग एक ही रन से संतुष्ट बढ़ते हुए स्कोर 48 रन। वही ओवर चल रहा अगली बॉल विराट की सामना करेंगे विजय गेंद बोले थ्रो में गेंद को पकड़ा नहीं मिली वो लंबी जरी कितना दिया है ढूंढ के
अगली बॉल विराट की सामने करेंगे विजय। एम्पायर को पार करते हुए मौजूद, लेकिन कोई रन लेना नहीं चाहेंगे, कोई जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे। डॉट डिलीवरी छठवां ओवर चलता हुआ, अगली बॉल विराट की सामना करेंगे विजय। से मन मना रहे थे स्ट्राइक टाइप की था, बाउंड्री लाइन पर आ गए, छोर तो गेम मिल गई नहीं मिली इसे चार तो हो गया जी। बढ़ता हुआ स्कोर चौवन रन, वो तो कोई बच्चा ढूंढ भी होगा तो हम ढूंढे तो चली जाए, वो लंबी चली गई वहां टप्पा खाई गई। और अब अगले में बॉलर आए हैं अटल, अपने कोटे का तीसरा ओवर, साथी कमेंटेटर अंकित भदौरिया जी उपस्थित होते हुए। अटल यादव काफी अच्छी बॉल जिसे प्लेसमेंट किया है, एक रन के लिए पूरा किया, काफी अच्छी फील्डिंग ब्रांड के द्वारा। और भूपेन ओनाटा कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हो, जो दर्शकों को काफी पसंद है उनकी कमेंट्री, उनकी आवाज को सुनने के लिए तरस रहे हैं दर्शक। अतुल यादव काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी ओवर का लेंथ बॉल थी, थर्ड मैन पर एक रन पूरा किया, पुलिस लाइन का स्कोर 56 रन 4 लॉस विकेट। अंकित कहाँ मिली 56 रन 4 विकेट। उमरी की ओर से सातवां ओवर लेके आए हैं अतुल यादव, काफी बेहतरीन बॉलिंग करते हुए। अगर पुलिस लाइन को अच्छा स्कोर खड़ा करना है तो अभिजीत को काफी अच्छी बैटिंग करनी होगी, काफी अच्छी प्लेसमेंट की है, दो रन पूरे किए दौड़ के, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, दो रन पूरे कर लिए, टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 58 रन 4 विकेट। अतुल यादव काफी अच्छी फिरकी, पुलिस लाइन को पूरी तरह धराशायी कर दिया अकेले अतुल यादव ने, बहुत अच्छी बॉल जिसे प्लेट किया। आदिल खान 20 बॉल में 36 रन बनाकर खेल रहे हैं, अतुल यादव अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उतने ही शानदार प्लेसमेंट कर रहे हैं आदिल, जानते हैं कि उनकी टीम में भूमिका बहुत जरूरी है, अगर टीम को बड़ा स्कोर बनाना है तो आदिल को खड़ा रहना पड़ेगा। आदिल अतुल का सामना करेंगे, काफी खतरनाक बॉलर हैं अतुल यादव, जो कि पूरा सम्मान दे रहे हैं आदिल, जानते हैं कि इसके बाद ओवर खत्म है अतुल यादव के। सात ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 58 रन 4 विकेट। पांच ओवरों का और मैच शेष, अगर पुलिस लाइन को मैच जीतना है तो काफी अच्छा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। उमरी की टीम ने अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है, अगला ओवर लेकर आ रहे हैं हरिओम उमरी की तरफ से। काफी बेहतरीन फील्डिंग और बॉलिंग देखने को मिली है उमरी की तरफ से, जो कि पुलिस लाइन की टीम को पूरी तरह धराशायी कर दिया है। मैं ऊपर दे रही हूँ विजय, 9 बॉल में 7 रन बनाकर खेल रहे हैं, काफी धीमा खेलते हुए विजय, अगर टीम को बड़ा स्कोर करना है तो विजय को भी अच्छा खेलना पड़ेगा। हरिओम हल्के हल्के कदमों से चलते हुए पहला ओवर अपनी टीम की ओर से, काफी अच्छा शॉट खेला है लेकिन बॉल खड़ी हो गई, तो यादव फील्डर नीचे है और ड्रॉप कैच करते हुए, पहला कैच ड्रॉप उमरी की तरफ से अतुल यादव फील्डर।
जो ऐसे कैच ड्रॉप करते नहीं अक्सर। अब जीत को मिलने वाला पहला जीवन दान। टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 60 रन 4 विकेट। हरिओम जो कि अपनी सफलता से पहली चूक गए, अपने ओवर अगली बॉल फेंकने के लिए तैयार। हरिओम जिसका सामना कर रहे हैं आदिल खान, काफी देर से डटे हुए हैं, गेंद को घुमाया है लेकिन बैटर और कीपर दोनों का बीट किया है और टर्न वन बाउंड्री के बाद 4 रन। टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 64 रन 4 विकेट। काफी अच्छी गेंदबाजी थी हरिओम की लेकिन कीपर और बैटर दोनों चूक गए उस बॉल को, काफी नीचे रह गई जिसके चलते ना बैटर को समझ में आया ना कीपर को और थर्डमैन भी फील्डर चूक गए। हरिओम तैयार अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए। अगर मैच में पकड़ बनाने हैं पुलिस लाइन को तो अच्छा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा जो कि उमरी ऐसा करने से रोक रही है। शॉट बॉल जिसे खेल दिया ऑफ साइड पे, फील्डर नीचे है, एक रन तोड़कर पूरा किया तो एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि फील्डिंग उमरी की टीम से बहुत अच्छी कर रहे हैं। टीम का स्कोर बढ़कर 64 रन 4 विकेट। और ये सेकंड आज का सेकंड मैच उमरी वर्सेस पुलिस लाइन। पुलिस लाइन टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है। हरिओम अपनी अपने ओवर की पे ओवर में दो कैच ड्रॉप, दूसरा जीवनदार अभिजीत को, लेकिन अभिजीत अपनी ओर से विजय का दूसरा जीवनदान मिला लेकिन विजय खुद चलते हुए उनकी जगह नए बैटर आ रहे हैं। भोगे छोड़ दो एम्पायर दोबारा अभिजीत विजय हम नहीं खेल सकते आउट। टीम का स्कोर 64 रन 65 रन 4 विकेट। हरिओम काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शॉट नहीं मारने दे रहे हैं और ये घुमाना है लेफ्ट साइड के ऊपर 6 रनों के लिए। आदिल ने अपनी पारी का 3rd-4th चक्का लगाते हुए ये पास में पड़ी, पास में ही है। आदिल खान पुलिस लाइन को बचाते हुए अपनी वजह से जो कि पूरी तरह खड़े हुए हैं अंगद की तरह, फिर गोल कुमाया है लेकिन मिस होता हुआ शॉट 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर बढ़कर 72 रन 5 विकेट। 8 ओवर 72 रन 5 विकेट। 8 ओवर 72। अरे सामने पड़ी, सामने बहत्तर रन 5 विकेट 8 ओवर। 8 ओवर की समाप्ति पर 72 रन पुलिस लाइन की टीम। अगर मैच को जीतना है तो अच्छा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। 4 ओवरों का और मैच शेष, 24 बॉल में देख पाते हैं कितने रन और जोड़ पाते हैं। आदिल खान काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं जो 48 रन बनाकर खेल रहे हैं और गेंद को मिस होती हुई लेफ्ट साइड पर 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर बढ़कर हुआ नीचे होएगा यार 73 रन 5 विकेट। आदिल खान जो कि 27 बॉल में 49 रन बनाकर खेल रहे हैं। सही सही सही। रोहित यादव अपने ओवर की अगली बॉल फेंकने के लिए तैयार। अच्छा शॉट खेला आप साइड फील्डिंग उतनी ही बेहतरीन जिसके चलते 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर बढ़कर 74 रन 5 विकेट। आदिल खान देख पाते हैं अपना अर्थता पूरा कर पाते हैं या नहीं, रोहित की बॉल का सामना करेंगे। आदिल खान उठाया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और अपनी 50 पूरी करी, 55 रन पहुंच चुके हैं।
वहां हेलीकॉप्टर शॉट गोल आया है और वो चार रनों के लिए हेलीकॉप्टर शॉट सीधा बाउंड्री के बाहर चार रन टीम का स्कोर बढ़कर होता हुआ 84 रन 5 विकेट बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आदिल खान रोहित काफी महंगे साबित 12 रन दे चुके हैं इस ओवर में अभी 4 बॉलें हो चुकी हैं हल्के हल्के कदमों से फेंकने भी तैयार फिर से 4 रनों के लिए काफी बॉल खाला बॉल रन 5 विकेट लगातार 3 बाउंड्री दे लगा चुके हैं आदिल खान रोहित के ओवर में काफी परेशान रोहित और उमरी टीम अगली बॉल फिर से तैयार और क्या फिर से मारेंगे फिर से उड़ाया है और गेंद काफी बेहतरीन आदिल खान छा गए हैं 96 रन 5 विकेट 9 ओवर की समाप्ति पर आदिल बहुत अच्छी बल्लेबाजी पेश कर रहे हैं अगर पुलिस मैन को कोई बचा कर खड़ा है तो वो है अकेले आदिल खान जो कि बहुत बुरी तरीका से मार दे रहे हैं उम्र बॉलरों की अगला ओवर हरिओम लेकर आए हैं जिन्होंने पिछला ओवर काफी बेहतरीन फेंका था जिसका सामना करेंगे सर्वेश आदिल खान 31 बॉलों में 71 रन बनाकर खेल रहे हैं 96 रन 5 विकेट और 3 ओवरों का खेल शेष देख पाते हैं कितने रन और जोड़ पाते हैं पुलिस लाइन टीम हरिओम हल्के हल्के कदमों से चलते हुए सर्वेश के लिए जो कि एम्पायर काफी तेज थी लेकिन बाहर गति पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं जो कि लाइन पर भटक रहे हैं हरिओम अगर बेहतरीन बॉलिंग करने हैं तो लाइन और लेंथ सही डालना होगा सर्वेश जो कि हरिओम का सामना करेंगे सर्वेश फिर से शायद एम्पायर का सही पुराना डिसीजन जो पिछले था वो फिर से बैड टीम का स्कोर 98 98 रन 5 विकेट हरिओम लगातार 2 बाहर फेंक चुके हैं जो सोच रहे हैं कि ऑफसाइड ऑफ फेंकी जाए बैटर से दूर रख रहे हैं बॉल को जानते हैं कि लास्ट ओवरों में बैटर रन बनाने की कोशिश करेंगे जिससे वो दूर रख रहे हैं फिर से वही नजारा एंगल फिर से बाहर लगातार 3 बाहर फेंक चुके हैं हरिओम काफी परेशान 99 रन 99 रन 5 विकेट पुलिस लाइन टीम का स्कोर लगातार 3 बार फेंक चुके हैं हरिओम कोशिश यही है कि डॉट डिलीवरी डाली जाए बैटर से दूर रख रहे हैं लेकिन सर्वेस जो कि हरिओम का ऐसा करने से रोक रहे हुए 3 बार फेंक चुके हैं हरिओम फिर से तैयार लगातार 3 ओवर फेंक चुके हैं इस ओवर में कोई बॉल नहीं हुई है इस ओवर की अभी तक गेंद तो अच्छी बॉल थी जिसको खेला है लेफ्ट साइड की ओर फील्डर पीछे है काफी अच्छी फील्डिंग रोकी है लेकिन इसके चलते भी 2 रन पूरे कर लेंगे और पुलिस लाइन टीम सेंचुरी बना चुकी है 101 रन पर पहुंच चुके 5 विकेट 10वां ओवर प्रगति पर जो कि 9.1 ओवर 101 रन 5 विकेट जिसमें आदिल खान की अहम भूमिका रही है जो 71 रन बनाकर नाबाद 31 बॉल में खेल रहे हैं अगली बॉल हरिओम काफी तेज शॉट घुमाने की कोशिश की लेकिन बॉल उतनी नीचे रह गई हरिओम की बॉल काफी नीचे रह रही है जिससे बैटर के बैट पर बॉल आ नहीं रही है समय से स्कोर थमा हुआ 101 रन 5 विकेट 3 ओवरों का खेल शेष रह गया है शॉट को घुमाया कवर ट्रैक कवर के ऊपर से लेकिन फिर बाउंड्री बार 6 रन काफी बेहतरीन शॉट कवर के ऊपर से 6 मारा है बॉलर खुद समझ नहीं आ रहा है कैसा शॉट मारा है
टीम का स्कोर बढ़कर 107 रन 5 विकेट। कवर पे अगर छक्का लगा सकते हैं तो आप कहीं पर भी छक्का मार सकते हैं, कॉन्फिडेंस से भरपूर। लेकिन उतनी अच्छी बॉल, फील्डर कोई फील्डर ही 4 रनों के लिए। सर्वे पूरे रन में दिख रहे हैं, 5 बॉल में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। लगातार 2 बाउंड्री दे चुके हैं इस ओवर में, 15 रन दे चुके हैं हरिओम 4 बॉलों में। और एक समझ में आया है जिसके चलते आउट, हरिओम को पहली सफलता मिलती हुई। सर्वे आउट होते हुए एक 111 रन पर छठवा विकेट पुलिस लाइन का आउट होते हुए। अगले बल्लेबाज ने पुलिस लाइन की ओर से अगले बल्लेबाज ने अनूप देख पाते हैं कितना रन जोड़ पाते हैं। यहां से कुछ ही ओवरों का मैच रह गया है। हरिओम तैयार, 1 विकेट ले चुके हैं इस ओवर में और शॉट घुमाने की कोशिश की लेकिन बॉल और बल्ले से बहुत दूर। ओवर की समाप्ति पर 10 ओवर 111 रन 5 विकेट। आदिल खान इस ओवर में स्ट्राइक पर नहीं पहुंचे काफी समय से। 10 ओवर 111 रन 5 विकेट पुलिस लाइन, 2 ओवरों का खेल शेष 12 बॉलों में। देख पाते हैं आदिल खान कितने सिक्स लगा सकते हैं 12 बॉलों में। विराट पुलिस उमरी की ओर से 11वां ओवर लेके आए हैं विराट। स्ट्राइक पर होंगे आदिल खान, विराट का सामना करेंगे। काफी अच्छा ओवर फेंक चुके हैं उसके पहले। शॉट बॉल थी ऑफ साइड पे वो जो कि फील्डर के हाथों गई लेकिन ड्रॉप होता हुआ। इतना आसान नहीं होता ऐसा कैच लेना है लेकिन दो रन पूरे किए। मैच करवा पुलिस लाइन तो जीत गई तो उमरी तो खेली है नहीं उमरी के रे हम खेले नहीं दूसरा जीत गए पुलिस लाइन का कह दी तू जीते दूसरे खेले पुलिस लाइन तो नहीं करा यार। अब यार भाई बात तो हम तो पहले कह रहे हैं भाई बात नहीं म्यूट कर दिए लेने इधर तो आने।
उमरी टीम अपनी ओपनिंग मैच है, जिसके चलते मैच जल्दी स्टार्ट किया जाए। पुलिस लाइन टीम 143 रन एक विशाल स्कोर खड़ा किया है, जिसमें आदिल खान सेंचुरी लगाई है आज इन्होंने 101 रन। ऐसे हो ऐसे स्कोर कार्ड से अमीर उपस्थित हो। श्यामवीर स्कोर कार्ड उपस्थित हो कमेंट्री बॉक्स में। 8 छक्का लगाए हैं आदिल खान ने अपनी पारी में। बारह ओवर में 143 रन बनाना है उमरी टीम को, अगर इस मैच को जीतना है तो 144 रन बनाना होगा। लगभग 12 रन प्रति ओवर, हर ओवर में 2 बाउंड्री चाहिए मैच को जीतना है तो। अमित यूपी का बनो पंकज का सामना करेंगे अंशुल। पंकज चलते हुए हल्के कदमों से हवा में कुछ देर जरूर रही, मौका बन सकता था अगर फुर्तीले होते बिल्डर तो। उमरी टीम का स्कोर 1 रन। अंकुश अच्छी बॉलिंग पंकज के द्वारा, अंकुश जो कि घुमाना ही बस जानते हैं, इनको भेजा गया है कि तुम्हें घुमाना है बैट। पंकज का सामने जो कि बहुत ही चतुर बॉलर है पंकज पुलिस लाइन की ओर से, पहला स्ट्राइकर बॉलर बहुत ही अच्छी बॉलिंग, जिसके चलते बाइक रूप में 1 रन पूरा किया। उमरी टीम का स्कोर 2 रन। पंकज काफी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि काफी चतुराई भरी बॉलिंग फेंक रहे हैं, बैटर को पढ़कर फेंक रहे हैं कहां बैटर मार सकता है। पावर प्लस चलते हुए 2 फील्डर पार होंगे जो अपनी बॉल। पंकज और स्वाप साइड पर खेला है, गेंद बहुत ही तेज आउटफील्ड है 4 रनों के लिए। अगर सर्कल से बाहर जाती है तो फील्डर को रोकना काफी मुश्किल हो जाता है, काफी आउटफील्ड तेज है। और टीम का स्कोर 6 रन। पहला बाउंड्री आती हुई उमरी की ओर से अंशुल यादव के द्वारा। अगर मैच में पकड़ बनाए हैं तो 2 बाउंड्री चाहिए प्रति ओवर। फिर से घुमाया है, फिर से फील्डर दोनों पीछे है, देखते हैं कि पकड़ पाते हैं नहीं। अच्छी फील्डिंग जिसके चलते 2 रन पूरे किए हैं, टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 8 रन। अंशुल यादव काफी अच्छी संभल कर खेल रहे हैं और टीम का स्कोर भी बढ़ा रहे हैं। अपने ओवर की अगली बॉल फेंकने लगे तैयार, फिल टॉस लेकिन फील्डर उसके पीछे है, 1 ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। 9 रन टीम का स्कोर ओवर की समाप्ति पर, 1 ओवर 9 रन।
काफी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी उमरी टीम को अगर मैच में जीतना है तो। प्रति ओवर दो बाउंड्री की जरूरत। पुलिस लाइन टीम अपना डिसीजन जल्दी से जल्दी लें। दर्शक बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। अगला ओवर पुलिस लाइन की ओर से कौन आ रहे हैं? सरजीत अगला ओवर पुलिस लाइन की ओर से लेकर आ रहे हैं सरजीत, जिसका सामना करेंगे अंशुल यादव जो एक बाउंड्री लगा चुके हैं। हल्के हल्के कदमों से तैयार शॉट बॉल की, लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं ले पाए हैं। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं थी लेकिन फिर भी चूक गए बैट्समैन। टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 10 रन। अगर मैच को जीतना है तो पुलिस लाइन को अच्छी गेंदबाजी, अच्छा टप्पा टप्पा रखना होगा। अगर मैच को जीतना है तो अच्छा टप्पा रखना होगा और अच्छी बॉलिंग फेंकनी होगी। तैयार लेकिन बॉल ऊपर खड़ी हो गई है, जिसके नीचे फील्डर है लेकिन फील्डर की सीधी नहीं मेरी, जिसके चलते 2 रन पूरे किए उमरी टीम ने। स्कोर बढ़कर हुआ 12 रन। मैसेज आएगा नेट को, चांस था लेकिन उसको भुना नहीं पाए। अंकुश तैयार है सरजीत का, सरजीत की बॉलिंग को तैयार अंकुश खेलने के लिए। शॉट बॉल थी जिसका पता नहीं दे पाए, चांस था बाउंड्री लगाने का। अगर मैच में पकड़ बनाना है तो रन रेट को बढ़ाना होगा। तैयार अंकुश, एम्पायर पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं। एम्पायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं इस अपील का। टीम का स्कोर रुका हुआ 12 रन। सरजीत तैयार अपनी अगली बॉल फेंकने के लिए, घुमाया है लेकिन फील्डर के पास सीधा। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 13 रन। अभिजीत काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा तेज गति से फेंकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अंशुल यादव पूरी तरीके से तैयार, घुमाया है फील्डर नीचे है, चांस बनता है और आउट। काफी अच्छा कैच पकड़ा है आदिल खान ने, बहुत अच्छा कैच, बहुत बढ़िया। काफी भागना पड़ा उन्हें कैच को पकड़ने के लिए और पहला झटका लगता हुआ उमरी को। अंशुल यादव अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। अगले बल्लेबाज काने, जो कि बेहतरीन बल्लेबाज रह चुके हैं अपने जमाने में, लेकिन क्रिकेट अभी बाकी है कि आज कुछ बड़ा कर पाते हैं अपनी टीम की ओर से। पुलिस लाइन को मिलती हुई पहली सफलता जो दिलाई है अंकुश ने, अब सॉरी सरजीत ने। अंशुल यादव का विकेट लिया है। अगला ओवर लेकर आए हैं पंकज, जिसका सामना करेंगे अंकुश, बाएं हाथ के बल्लेबाज। टीम का स्कोर 13 रन, 1 विकेट। सरजीत तुम थोड़ा और हो यार, सरजीत इस तरफ, बस बस ठीक है। फील्डिंग को सेट किया है ऑफ साइड पर पूरी। पंकज तैयार, काफी अच्छी बल्लेबाजी लेकिन खेल दिया है फील्डर के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अंकुश काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने टीम का स्कोर बढ़ाते हुए। टीम का स्कोर 17 रन, 1 विकेट। पंकज
काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन इसके चलते रन बनाना होगा अगर मैच को जीतना है तो। हल्के के कमल से चाहिए तैयार पिल्टू और गेंद को मारा है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, लगातार दूसरी बाउंड्री अंकुश के पैर से। टीम का स्कोर 23 रन 1 विकेट। पंकज यादव, पंकज काफी परेशान, 2 बॉलों में लगातार 2 बाउंड्री मार चुके हैं अंकुश। 8 बॉलों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं अंकुश, 23 रन 1 विकेट टीम का स्कोर। अगर मैच को जिताना है तो ऐसे ही शॉट खेलने होंगे। पुलिस लाइन को अगर बचाना है तो काफी अच्छी बॉलिंग करनी होगी। बॉल को एम्पायर रखें कृपया। बढ़िया बढ़िया तैयार अगले अपने ओवर के अगली बॉल फेंकने के लिए, जिसका सामना कर रहे हैं अंकुश। चूक गए हैं, इसकी अच्छी नहीं थी, इससे चूक गए। काफी स्लो बॉल, बाउंड्री आ सकती थी इस बॉल पर भी। तैयार अपने ओवर की अगली बॉल फेंकने के लिए, गजब टप्पा, इस टप्पे पर अगर रख रहे हैं काफी परेशान होंगे केवल बल्लेबाज। उमेर से घुमाया है, गेंद आ रही है बाउंड्री के पास, मिलन उसके पीछे, एम्पायर का इशारा, आना बाकी अभी 4 है 4, एम्पायर का डिसीजन 4 रन। टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 27 रन। इस ओवर में काफी रन बना चुके हैं, 14 रन, 2 चौका और 1 छक्का आ चुका है इस ओवर में। पंकज अंतिम बॉल इस ओवर की, 27 रन 1 विकेट। इसी तरीके से खेलना होगा अगर मैच को बनाए रखना है अपनी पकड़ में। काफी अच्छी जड़ पर बॉल थी सीधी। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर 27 रन 1 विकेट। इसी तरीके से खेलना होगा उमरी टीम को अगर मैच में अपनी पकड़ बनाए रखना है तो। ट्रैक पर होंगे काने और अगले बॉलर सरजीत, जो अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। सरजीत 54 बॉलों में 117 रनों की जरूरत है, जो ज्यादा मुश्किल है नहीं इस पिच पर। पावर प्ले चल रहा है, शॉट बॉल काने के बल्ले से निकलता है, पहला छक्का, पहली बॉल पहला छक्का, 600 की स्ट्राइक रेट पर काने। टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 33 रन 1 विकेट। इतनी शॉट बॉल अगर काने को दोगे तो यही नतीजा होगा। अपनी बॉल तैयार, फिर से शॉट, फिर से चेस, बॉल को बदला जरूर लेकिन नतीजा वही, फिर से 6 रन। काने के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का, आज छक्कों से ही बात कर रहे हैं। बॉल कोई भी हो नतीजा छक्का ही है। 39 रन टीम का स्कोर 1 विकेट। क्या कुछ बदलाव करते हैं अपनी बॉलिंग में सरजीत, पिछला ओवर काफी अच्छा फेंका था जिसके चलते इन्हें अगला ओवर दिया गया। फिर से बॉल और फिर से है जरूर, और ड्रॉप, गेंद को ड्रॉप किया है, गेंद को रोक जरूर लिया है लेकिन जिसके चलते 2 रन पूरे किए, तो ये काफी महंगा साबित हो सकता है। कौन है जैसे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप, जो 2 छक्के लगा चुके हैं। काफी मुश्किल था कैच जरूर, काफी भगना पड़ा लेकिन फिर भी कैच तक पहुंच गए थे, कैच बन गया था पूरा, लेकिन गलती हो जाती है कैच। फिर से तैयार सरजीत, और फिर से घुमाया है, और फिर से 4 रन। अगर काने जैसे का कैच छोड़ेगा तो नतीजा यही होगा, 3 छक्का लगा चुके हैं, आज छक्कों से ही बात कर रहे हैं।
47 रन टीम का स्कोर, एक विकेट, चार बॉलों में 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। और एम्पायर के साथ बैट बॉल, टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 48 रन, एक विकेट, चार बॉलों में 20 रन, 500 की स्ट्राइक रेट। फिर से डॉट बॉल, काफी अच्छी बॉल, काना बस छक्का ही चाहते हैं, उन्हें बस छक्कों से ही मतलब है, बॉल कोई भी हो। 48 रन, एक विकेट, फिर से डॉट बॉल, अगर ये टप्पा रखेंगे तो अच्छी बॉल है, ज्यादा आगे फेंकेंगे तो छक्का खाएंगे। चार ओवर 48 रन, एक विकेट, इस ओवर में तीन छक्के लगाए हैं काने के बल्ले से निकले हैं। 21 रन भी है इस ओवर में सरजीत ने। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं आदिल खान, 37 अपनी टीम की ओर से। अब सामना करेंगे अंकुश, जो काफी देर से नॉन स्टैक पर थे। अगर मैच को जीतना है तो उमरी की तरफ से इसी तरह से बैटिंग का अंदाज होना चाहिए, जो कि बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। अगर देखा जाए तो 5 बाउंड्री आ चुकी हैं इन 2 ओवरों में। बस, आदिल खान तैयार। अगर मैच को जीताना है तो अच्छी बॉलिंग करनी होगी, अगर पुलिसमैन को इस मैच में जीतना है तो। पिच ऐसी है कि मैच बदलते देर नहीं लगती इस पर। बोल अच्छा है। आदिल खान सामना करेंगे अंकुश, और काफी खराब बॉल, एम्पायर का सारा भाइड, काफी खराब बॉल, लाइन और लेंथ दोनों भूल चुके हैं आदिल खान। कुछ तैयार आदिल खान का सामना करेंगे, टप्पा सही रखना होगा अगर बॉलिंग अच्छी करनी है तो। शॉट बॉल थी, बल्ले को घुमाया जरूर है, और फील्डर पीछे जरूर भाग रहे हैं, रोक पाते हैं, एक ही रन से संतुष्ट। काफी अच्छी फील्डिंग पंकज के द्वारा देखने को मिली है, इसी तरीका की फील्डिंग चाहिए अगर मैच को जीतना है तो। टीम का स्कोर बढ़कर 50 रन, 50 पूरी की है उमरी टीम ने, 4 ओवरों में 50 हो चुकी है पूरी, 5 ओवर चल रहा है। मैच को अगर अपनी ओर बनाए रखना है तो इसी तरह खेलना होगा, हर 4 ओवर में 50 चाहिए अगर मैच जीतना है तो। काने तैयार, 3 छक्का लगा चुके हैं, और फिर से घुमाया है, क्या बात है, गजब का चैलेंज, 4 छक्के लगा चुके हैं काने, 7 बॉलों में 4 छक्का, क्या बात है, 26 रन बनाकर खेल रहे हैं, ओनली छक्कों से मतलब है उन्हें। टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 56 रन, 1 विकेट, ओहो गजब बॉल, गजब टप्पा, आदिल खान फिर से अपनी वापसी करते हुए। काने काफी खतरनाक बैट्समैन है, छक्का ही जानते हैं, सिंगल डबल से मतलब नहीं है उन्हें। 56 रन, 1 विकेट, क्या कर अगला क्या कर पाते हैं, गजब बॉल, पूरी ओवर का लेंथ की थी, बड़ी मुश्किल से रोका काने ने उन्हें। टीम का स्कोर 57 रन, 1 विकेट, 4 छक्के लगा चुके हैं काने, बढ़िया ओवर है, बढ़िया ओवर है। टीम का स्कोर बढ़कर 57 रन, 1 विकेट, आदिल खान तैयार, इसका सामना कर रहे हैं अंकुश, वो गेंद को घुमाया है, और फील्डर नीचे जरूर है लेकिन काफी मुश्किल, 6 रन, दोनों तरफ से मराई चालू है, दोनों तरफ से रन, 63 रन, 1 विकेट, बॉल कहीं पर भी हो बस बाउंड्री पर दिखती है, 63 रन, 1 विकेट, तैयार, फिर से घुमाया है लेकिन डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति, 5 ओवर, 63 रन, 1 विकेट। पुलिस लाइन की टीम परेशान है काने से और अंकुश से, दोनों बुरी तरह मार रहे हैं, काने बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं, जो कि उन्हें जीवनदान मिल चुका है।
इस लाइन की ओर से अगला ओवर अनिल लेकर आ रहे हैं जो इस पिच पर शतक लगा चुके हैं अनिल भी, जिसका सामना करेंगे काने। चार छक्के लगा चुके हैं, नौ बॉलों में 27 रन बनाकर खेल रहे हैं 300 की स्ट्राइक रेट से। मैच में रोमांचक मोड पर है, अनिल तैयार है काने के लिए। अच्छी बॉल अनिल के, काने को बीट करते हुए, पूरी तरीके से बीट कर दिया है काने को। काने जो कि बहुत तेज बल्ला घूम रहा है, अगर 140 की बॉल है तो 200 की स्पीड से बल्ला घुमाते हैं काने, जो बॉल अगर संपर्क हो गया तो बहुत लंबा छक्का जाता है। तैयार छक्के के लिए काने, अनिल तैयार है बॉलिंग के लिए। काफी अच्छी बॉल ओवर कर लेंथ की, जिसके चलते रोका और एक रन पूरा किया। टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 64 रन एक विकेट। अनिल काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं अभी तक, देखते हैं इसके चलते अगर इसी तरीके से बॉलिंग करते हैं तो टीम में बनाए रखेंगे पुलिस लाइन को। अंकुश तैयार, काफी देर से बैटिंग कर रहे हैं अंकुश, और महाराष्ट्र स्टेट की ओर सीधा 6 रन कदमों के चलते निकल कर मारा है 6 रनों के लिए, गेंद को घूमने ही नहीं दिया। टीम का स्कोर बनकर हुआ 70 रन एक विकेट, काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं। एम्पायर का डिसीजन भाइड रन काफी देर बाद आया है। टीम का स्कोर 71 रन एक विकेट। अंकुश काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत देर से खेल रहे हैं। उसी का शॉट फील्डर के पास, काफी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग पेश की है, लेकिन थ्रो के चलते एक रन पूरा किया है। 72 रन एक विकेट। अनिल यादव काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब सामना करेंगे काने, 11 बॉलों में 28 रन बनाकर खेल रहे हैं काने, और अंकुश 17 बॉलों में 31 रन। टीम का स्कोर 72 रन एक विकेट। 56 ओवर प्रगति पर अनिल, काफी अच्छी बॉल लेकिन बैड, अपनी बॉलिंग पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं अनिल, इसके चलते टीम का स्कोर 73 रन एक विकेट। एम्पायर बॉल पकड़ लिया, टीम का स्कोर रुका हुआ 73 रन एक विकेट। अनिल तैयार है बॉलिंग मार पर, जिनका सामना कर रहे हैं काने, जो चार छक्के लगा चुके हैं इस मैच में। तैयार है और फिर से घुमाना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, पूरा काम विकेट कीपर ने किया है। अनिल काफी अच्छा टप्पा रख रहे हैं, जिसके चलते काने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर से घुमाया है कीपर के पीछे और थर्डमैन के बगल से गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 77 रन एक विकेट 6 ओवर। 36 बॉलों में 67 रन चाहिए, जो इतना आसान है नहीं, मैच फंस सकता है। यार बॉल देखा तो कट रही है तो आएगी, लेकिन पूरे 9 विकेट शेष हैं उमरी टीम की ओर से, जिसके चलते कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर पुलिस लाइन को मैच जीतना है तो काफी अच्छी बॉलिंग करनी होगी और विकेट एक दो निकालने होंगे इस ओवर में, एक दो ओवर में मैच बदल सकता है। बॉलर नेम अवितेश, जिसका सामना करें अंकुश, काफी देर से ओपनर बैट्समैन है, बहुत देर से डटे हुए हैं। ऐसे रहा ऐसे क्या कर रहे, चलो इधर आ जाओ। किस तैयार बॉलिंग मार्क पर, नहीं नहीं अंदर ही रहो, फील्डिंग में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, यहीं रहो बस, आगे आ थोड़ा, रुक जाओ रुक जाओ यार। एम्पायर साइड रोक रहे थे तो बॉलर को रोकना था। डेड बॉल, किस तरह से
के लिए, हल्के हल्के कदमों से गेंद को तैयार फेंकने के लिए, उठाया गेंद को स्टेट रन, सीधा छह रन, वही मौका डिफेंडर के पास, टीम का स्कोर बढ़ते हुए 83 रन। अब टेस्ट की पहली बॉल पर सिक्स मारा है अंकुश ने, अंकुश यादव काफी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 83 रन टीम का स्कोर, एक विकेट, काफी अच्छी बॉल, सुधार करते हुए अब वापसी की है अभिजीत ने, योर का लेंथ की बॉल थी, पूरी तरीके से चूक गए अंकुश यादव, टीम का स्कोर 83 रन एक विकेट। मैच पूरी तरीके से उमरी पकड़ बनाए हुए है और जीत की ओर बढ़ती हुई, फिर से घुमाया है, उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं जितना वो चाहते थे, इसके चलते एक ही रन से संतुष्ट करना होगा, 84 रन एक विकेट। काने काफी देर से शानदार हैं, काफी देर से शांत बैटिंग कर रहे हैं, 13 में 32 बना के खेल रहे हैं, लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। अब जीत का सामना करेंगे काने, और पैडों में गेंद का संपर्क होते हैं जिसके चलते लेग बाई के रूप में एक रन पूरा किया, इक्यासी रन एक विकेट। अगर विकेट नहीं निकलता है तो मैच से दूर जा रहे हैं पुलिस लाइन, उमरी पूरी तरीके से पकड़ बनाए हुए हैं, अभी और उसमें बैट्समैन उनके बैठे हुए हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब नंबर आए उनका। अंकुश यादव तैयार हैं, अभिजीत के सामना कर रहे हैं, अंकुश यादव उठाया है लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ है, इसके चलते फील्डर की बॉल के पीछे है, और गेंद फील्डर से मिसफील्ड होती हुई, गेंद सीमा रेखा की बाहर जाती हुई, 4 रन टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 89 रन एक विकेट। अंकुश यादव 21 बॉलों में 42 रन बनाकर खेल रहे हैं और सर्वेंद्र यादव 14 में 32, टीम का स्कोर 89 रन एक विकेट। अंतिम बॉल 7वें ओवर की, सामना करेंगे अंकुश यादव, 21 में 42 बनाकर खेल रहे हैं 200 की स्ट्राइक रेट से, बॉल खड़ी हो गई है, फील्डर देखते पहुंच पाए नहीं, लेकिन तो फील्डर नहीं पहुंच पाया उस बॉल तक, इसके चलते 2 रन पूरे किए। अगर मैच को जीतना है तो कैच को बनाना पकड़ना होगा और मुश्किल को भी आसान बनाना पड़ेगा, अगर मैच में अपनी पकड़ चाहते हैं तो, नहीं तो बहुत दूर जाते हुए पुलिस लाइन। इस मैच से 91 रन एक विकेट, 7 ओवर 30 बॉलों में 53 रनों की जरूरत, 30 रन काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है उमरी की ओर से। पुलिस लाइन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैच को कैसे पकड़ बनाया जाए, जो कि बहुत दूर जाते हुए 30 बॉलों में 53 रनों की जरूरत, तो पानी पहुंचाया जाए पिच पर, पानी पहुंचाया जाए, चलो डालो सही है, फील्डिंग सही है, फील्डिंग सही है, शाबाश, मैच को चालू किया जाए, पानी तैयार आदिल खान का, बस बस ठीक है, वाइड नहीं है, और एम्पायर का डिसीजन, बैट बॉल, टीम का स्कोर 92 रन एक विकेट। आदिल खान तैयार आने के लिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश, काने जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बॉल कोई उनके रडार में आए और बाउंड्री पर भेजे, और गेंद को शॉट खेला जरूर है लेकिन फील्डर से दूर, एक रन पूरा किया दौड़कर, तो गेंद घूमती हुई, इसके चलते 2 भी रन पूरे किए, सही संपर्क नहीं हो रहा है बॉल और गेंद बैट पर, जिसके चलते टीम का स्कोर 94 रन एक विकेट। कोई बात नहीं, शाबाश, ठीक है, काने आदिल खान का सामना करेंगे, काने हल्के हल्के कदमों से काने के लिए चलते हुए, काने तैयार हैं,
घुमाया है सीधा फील्डर के ऊपर से चेरन फ्लैट सिक्स गोली की रफ्तार से बॉल जाती हुई गोली की रफ्तार से बॉल गई है फील्डर ने कोशिश भी नहीं की टीम का स्कोर 100 रन एक विकेट काने 16 बॉलों में 40 रन बनाकर खेल रही है चवालीस रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए उमरी टीम को काफी अच्छी बॉल इसके चलते एक रन पूरा किया 101 रन एक विकेट मैच पुलिस लाइन की ओर से फिसलता हुआ उमरी बहुत ही मजबूत पकड़ बनाए हुए इस मैच में बढ़िया बॉल है शाबाश जाएगा वो अगर मैच को जीतना है तो अच्छी बॉलिंग करनी होगी काफी कसी हुई बस बस भाई और एम्पायर का साला फैड बॉल तो अपनी बॉल पर ही नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं इतनी अच्छी बॉलिंग है नहीं पुलिस लाइन की टीम में जिसके चलते उमरी टीम को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है आराम से रन बना रहे हैं 102 रन एक विकेट आदिल खान काफी तकते हुए शतक लगाया है इस मैच में अभी तक जो खेल रहे हैं तो आदिल खान ही काफी अच्छी बैटिंग की थी जिसके वजह से मैच यहां तक चल रहा है अभी तक काफी गजब बॉलिंग थी यॉर्कर लैंड की बॉल अंकुश यादव को कुछ समझ में नहीं आया डॉट बॉल बढ़िया बॉल शाबाश किसी तरह की बॉलिंग करनी होगी अगर मैच को जीतना है तो 102 रन एक विकेट आठवां ओवर प्रगति पर स्टेट ड्राइव के लाए हैं दोनों फील्डरों को बीच में निकाल दिया है तीर की तरह चार रनों के लिए सीधा स्टेट ड्राइव था बॉलर के ऊपर से और दोनों फील्डर के बीच से टीम का स्कोर 106 रन एक विकेट 48 रन पर पहुंचे अंकुश यादव 24 बॉलों में 48 रन काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकुश यादव संभल कर और देखकर काफी अच्छा शॉट खेला है अपसाइड की ओर एक रन पूरा किया है एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा कुछ देर का वेट करना होगा अपनी 50 के लिए ओवर की समाप्ति 8 ओवर 107 रन एक विकेट 24 बॉलों में 37 रनों की जरूरत 4 ओवर 37 रन एक विकेट हुआ है अभी उमरी का पूरे 9 विकेट शेष हैं इस मैच को कोई दिक्कत नहीं होगी जीतने के लिए उमरी टीम को काफी आसानी से मैच को अपनी पकड़ बनाए हुए है 107 रन एक विकेट शुरुआत से लेकर लास्ट तक जहां तक चल रहा है अपने हाथों से मैच को फिसलने नहीं दिया है क्या दिक्कत आ रही है एम्पायर पानी कुछ समझ नहीं आ रहा है पानी भेजा जाए अंकित तोमर कमेंट्री बॉक्स पर आए टीम का स्कोर थमा हुआ 107 रन एक विकेट कुछ देर के लिए मैच रुका हुआ है अंकित ओ अंकित जिगर तक आ जिगर ठाड़े जिगर जिगर
मैच को चालू किया जाए। टीम का स्कोर 107 रन 1 विकेट। उमरी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। 24 बॉलों में 37 रनों की जरूरत है, जो बहुत ही आसान है। इतनी घातक बॉलिंग है नहीं है पुलिस लाइन में। काफी अच्छी बॉल, डॉट बॉल। अभिजीत काफी अच्छी बॉल फेंकी है। ये अंकुश यादव काफी देर से डटे हुए हैं, 49 रन पर खेल रहे हैं और एक रन दौड़ के पूरा करेंगे और अपनी 50 रन पूरे। बहुत ही अच्छी बैटिंग की है अंकुश यादव ने। उमरी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचा गए। 108 रन काफी मजबूत स्थिति में बनाए रखा है। अब सामना करेंगे सर्वेंद्र काने, जो 17 बॉलों में 41 रन बनाकर खेल रहे हैं, जो 4 छक्के लगा चुके हैं। अभिजीत का सामना करेंगे काने, और काफी दूर रखा है काने से। अभिजीत जानते हैं अगर काने से दूर रखेंगे तो ही फायदा है, उनके अगर रडार में फेंकेंगे तो बाहर ही जाना पड़ेगा बॉल को। सामना करेंगे काने अभिजीत का। अभिजीत चलते हुए हल्के हल्के कदमों से दूर रखा है, लेकिन काफी तेज शॉट है, गोली की रफ्तार से बॉल जाती है। अगर काने के बैट में लगी है तो बॉल गोली की रफ्तार से। टीम का स्कोर बढ़ के हुए 112 रन और काने पहुंच गए हैं 45, 19 बॉलों में 45। काफी अच्छी बॉल थी लेकिन काने ने उससे ही बेहतरीन शॉट मारा है, कवर ड्राइव 4 रन। काने इस ओवर में 50 करते हैं अपनी, 19 बॉलों में 45 रन बनाकर खेल रहे हैं। टीम का स्कोर 112 रन 1 विकेट। अभिजीत फील्डिंग को सेट करते हुए सिलेप गली शॉट मेड ऑन मेड विकेट स्टेट सभी लगाए हुए हैं, लेकिन काने काफी घातक। काने का रडार को बहुत तो 6 रन मिलेगा। 50 काने 51 रन पर पहुंच चुके हैं, 20 बॉलों का सामना किया है अभी, 6 छक्के लगा चुके हैं इस मैच में, 1 चौका। 20 बॉलों में 51 रन बनाकर खेल रहे हैं। टीम का स्कोर 118 रन 1 विकेट। 19 बॉलों में 26 रनों की जरूरत टीम को जीतने के लिए। उतनी अच्छी बॉल फिर से वापसी की अभिजीत ने। ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों का खेल से 18 बॉलों में 26 रनों की जरूरत, 118 रन उमरी टीम के। दोनों बैटर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, काने और काने से बेहतर अंकुश और अंकुश से बेहतर काने। दोनों पूरे टीम को मैच बनाए हुए हैं। उमरी टीम को कभी लगा ही नहीं कि मैच उनके हाथों से निकला है, पूरी तरह से पकड़ बनाए हुए हैं और काफी समझदारी से खेल रहे हैं। उन्हें चाहते हैं कि इस मैच को जीते और आगे भी जीते। पूरा अपना 100% दे रहे हैं दोनों बैटर, पूरी टीम। दौड़ के लेफ्टी के लाने अंदर आ जाया करो तुम।
अगला ओवर लेकर आए हैं अनिल कि 18 में 26 रनों की जरूरत है, हमको शायद अब सामना करेंगे अनिल का। काफी अच्छी बॉल, 17 बॉलों में 26 रनों की जरूरत उमरी टीम को। और अंकुश यादव शायद कुछ दिक्कतें हैं जिसके कारण वो अब बाहर जा रहे हैं, जिनकी जगह आ रहे हैं रोहित यादव जो उनसे भी घातक बल्लेबाज हैं। जानते हैं कि टीम आसानी से मैच में बनाए हुए पकड़ है तो कोई जरूरत है नहीं जोखिम लेने की। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है अंकुश ने। अब आए हैं रोहित यादव जिसका सामना रोहित यादव कर रहे हैं अनिल का। काफी अच्छी बॉल थी लेकिन उससे भी बेहतर शॉट, 6 रन या शॉट मारा है 6 रनों के लिए, सीधा स्ट्रेट ड्राइव, पहली बॉल पे 6 रन। रोहित यादव आते ही छक्का से स्टार्ट किया है और 20 रनों की और जरूरत 16 बॉलों में। रोहित यादव तैयार है, लेकिन बॉल वहीं खड़ी हो गई है, ऐसे शॉट मारने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन वो दिखाना चाहते थे अपनी बैटिंग, लेकिन आउट होकर जाना होगा वापस। उनकी जगह आ रहे हैं अतुल यादव और अनिल को दूसरी सफलता मिलती हुई और मैच रोमांचक मोड से भी जा सकता है, लेकिन इस पिच ऐसी है कि छक्के लगाना बहुत ही आसानी से छक्के जाते हैं। अतुल यादव आए हैं रोहित की जगह जो खराब शॉट खेलकर आउट हुए। कैच अनिल ने ही लिया फॉलो ऑन पर। अनिल अतुल यादव सामना करेंगे अनिल का जो एक विकेट निकाल चुके हैं रोहित यादव का, और उससे बेहतर शॉट मिड ऑन के पार 6 रन। आते ही 6 रन रोहित ने लगाए थे, आते ही अतुल ने लगाया है। टीम का स्कोर 130 रन 3 विकेट, 14 बॉलों में 14 रनों की जरूरत टीम को। तैयार है अतुल, फिर से उठाया है और गेंद वहीं खड़ी हो गई है, फील्डर कीपर नीचे है उसके और आउट। अतुल यादव को ऐसा शॉट खेलने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन अपना विकेट गवाते हुए गुलजाजा में स्कोर नहीं आ रहा। एक छक्का एक विकेट, एक छक्का एक विकेट, जो सिक्स मारता है वो आउट भी होता है। अब 13 बॉलों में 14 रनों की जरूरत है। अब आए डीजे, डीजे 130 रन 4 विकेट, जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है उमरी टीम को, जो कि इतना मुश्किल है नहीं लेकिन जल्दबाजी कर रहे हैं, शायद कुछ काम होगा घर जल्दी जाने की पड़ी है उमरी टीम को, जो 2 विकेट तुरंत गवा चुकी है। सामना करेंगे डीजे अनिल का, काफी अच्छा शॉट खेला है, यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, हेलीकॉप्टर शॉट घुमाया है, 1 रन से संतोष, ओवर की समाप्ति। 131 रन उमरी टीम का स्कोर, 10 ओवर की समाप्ति पर 12 बॉलों में 13 रनों की जरूरत, ओनली 2 सिक्स। काने अभी डटे हुए हैं क्रीज पर बहुत देर से, जो टीम को जिताकर ही वापस जाएंगे। अगला ओवर लेकर आए हैं अभिजीत, अभिजीत का सामना करेंगे डीजे जो कि खतरनाक बैट्समैन है उमरी की ओर से। 12 बॉलों में 13 रनों की जरूरत है टीम को जीतने के लिए, 131 रन 4 विकेट। अभिजीत का सामना करेंगे डीजे और घुमाए हैं,
इसकी आवश्यकता है नई टीम को, जो मैच आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन घुमा रहे हैं, दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि उनके अंदर भी दम है, वो भी छक्का मार सकते हैं। अभिजीत उससे भी बेहतर और चतुराई भरी बॉलिंग कर रहे हैं। 13 रनों की जरूरत है टीम को। अभिजीत अब डीजे सामना करेंगे। बॉल खड़ी हो गई है, फील्डर नीचे है, कैच बन पाएगा और ये आउट, और डीजे आउट होकर वापस जा रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं थी टीम को, लेकिन अपना विकेट ऐसे फेंक के जा रहे हैं जैसे फ्री में विकेट दे गए अपना। ऐसे शॉटों की कोई जरूरत है नहीं टीम को, सिंगल डबल से ही मैच निकाला जा सकता है, लेकिन मैच को फंसा रहे हैं। इतना आसान मैच कर दिया था काने ने और अंकुश यादव ने, जो कि उमरी टीम के अच्छे बल्लेबाज मैच को फंसा रहे हैं, वो और रोमांचक बना रहे हैं इस मैच को। 13 रनों की जरूरत है टीम को, ओनली 2 6। वैसी पिच है जो दो छक्के दो बॉल पर भी आ सकते हैं। बॉलिंग बॉलिंग क्या बात है सुमित भाई, जो बाउंड्री के पास है वो बैठ गए हैं। खिलाड़ी को समझ में नहीं आता फील्डर कौन है यार और बैटर कौन है, कृपया दूर रहे बाउंड्री से और बैठ जाएं। अगले बैट्समैन ने अभिजीत का सामान करेंगे, घुमा रहे हैं ये भी। अनीस नाम का बैट्समैन ने अनीस अनीस यादव आते ही छक्का मार रहे हैं। आते ही छक्के, जिसकी जरूरत है नहीं उमरी टीम को। अभिजीत का सामना करेंगे अनीस। अगर मैच को जीतना है तो काने को स्ट्राइक पर पहुंचाना होगा। अभिजीत काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ओहो काने को आउट करना चाहते हैं, लेकिन काने बहुत ही समझदार और सूझबूझ, बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, उन्हें हल्के में ना लें, इस तरीके से आउट वो नहीं होंगे। अभिजीत हल्के हल्के कदमों से चलते हुए अनीस के लिए और शॉट को घुमाया है ऑफसाइड की ओर, फील्डर पीछे भाग रहे हैं, देखना चाहते हैं बाउंड्री, पहले पकड़ते हैं आप बाउंड्री और एम्पायर का डिसीजन। 4 रन टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 135 रन 5 विकेट। अगर बता दें 131 रन पर ओनली 1 विकेट था, 101 पर 1 विकेट था, 121 रन पर सॉरी माफ कीजिए 121 रन पर 1 विकेट था, और 14 रन के अंदर 5 विकेट, 4 विकेट खो चुकी है उमरी टीम। 135 पे 5 विकेट, 8 बॉलों में 9 रनों की जरूरत। अभी सामना करेंगे अभिजीत का, आपको घुमाया लेकिन शॉट ने पकड़ा है, क्या यह आउट हो चांस था, लेकिन 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पर होंगे काने, 7 बॉलों में 8 रनों की जरूरत उमरी टीम को, 136 रन 5 विकेट। मैच इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन रोमांचक है, अगर काने क्रीज पर रहेंगे तो मुश्किल है नहीं। अभिजीत का सामना करेंगे काने, जो अर्धशतक बना चुके हैं अपना, बहुत ही घातक, इनका एक कैच ड्रॉप हो चुका है जिससे अब ये डटे हुए हैं। लेकिन फील्डर को कुछ समझ में ही नहीं आया, जिसके चलते 4 रन फील्ड की जा सकती थी, लेकिन फील्डर कुछ समझ में नहीं आया। टीम का स्कोर 140 रन 5 विकेट, 6 बॉलों में 4 रनों की जरूरत है टीम को मैच जीतने के लिए, और बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, 5 विकेट है अभी उमरी टीम के पास। लेकिन अनीस चाहेंगे कि छक्का मार के ही जिताया जाए, क्योंकि और बल्लेबाज इसी सोच में आउट हुए हैं, 4 बल्लेबाज आउट हो चुके उमरी के छक्के के चक्कर में, इसी चक्कर में अनीस। अनिल का सामना करेंगे अनीस,
क्या छह में चार बना पाते हैं या छक्के से जिताते हैं मैच को। पांच विकेट अभी शेष है, 140 रन पर पहुंच चुकी है उमरी टीम और एम्पायर का इशारा भाइड, जिसके चलते एक रन का और इजाफा हुआ उमरी टीम में। 141 रन पांच विकेट, तीन रनों की जरूरत। बहुत ही अच्छी बॉल, डॉट बॉल, काफी अच्छी बॉल अनिल के द्वारा देखने को मिली है। पांच बॉलों में तीन रनों की जरूरत, इतना मैच फंसना नहीं था जितना फंसा दिया है उमरी टीम ने। पुलिस लाइन ने काफी अच्छी बॉलिंग की है दो तीन ओवरों में। बहुत अच्छी बॉल अनिल के द्वारा, डॉट बॉल पर डॉट पर डॉट, चार बॉलों में तीन रन, मैच को फंसा दिया है। जो इतनी दूर तक मैच नहीं आना था, अंकुश को एक तो आउट नहीं देना था, जिसके चलते मैच बहुत फंस गया है। चार बॉलों में तीन रनों की जरूरत, अनीस क्या दे पाएंगे। बहुत अच्छी बॉल अनिल ने कमाल कर दिया, तीन डॉट लगातार, तीन डॉट मार चुके अनिल। क्या बॉलिंग की है, समझदारी में गजब का टप्पा रखा है। अनिल को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, टप्पा कहां बॉल खा रही है, कहां जा रही है। तीन बॉलों में तीन रन, पूरी तरह फंसा दिया है। दो बॉलों में तीन रन, अनिल ने कमाल कर दिया इस मैच में, पूरा मैच को रोमांचक मोड़ पर फंसा दिया है। क्या कहने दे भाई, बहुत खूब। दो बॉलों में तीन रन, मैच को कुछ नहीं कह सकते कहां जा रहा है, क्योंकि कैच भी उठ सकता है, रन भी बन सकते हैं। और कृपया दूर हो जाए सभी बाउंड्री से दूर। इस ओवर में डॉट बॉलों की जरूरत है, डॉट, दो बॉलों में तीन रन। एक अगर डॉट ये निकलती है तो तीन रनों की जरूरत है। 141 रन छह विकेट, 141 में छह विकेट, दो बॉलों में तीन रनों की जरूरत उमरी टीम को जीतने के लिए। और काने बहुत देर से नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं, वो तड़प रहे हैं स्ट्राइक पर पहुंचने के लिए कि कब पहुंचे और कब मैच को जिताएं। जो कि उमरी टीम ने यही गलती की है कि काने को स्ट्राइक पर नहीं ले आई, दो तीन ओवरों में काने को स्ट्राइक पर ही नहीं पहुंचने दिया। पुलिस लाइन की टीम कमाल कर दिया लाखनी के कुछ क्षणों में, बहुत अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग की है, जिसके चलते मैच यहां तक फंस चुका है। नहीं तो काफी दूर था इनकी टीम से मैच। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहना मुश्किल नहीं है। जिसके चलते एक रन पूरा किया, क्या मैच फंस गया है। एक बॉल में दो रन, एक बॉल पर दो रन, लेकिन कौन है स्ट्राइक पर, मैच पूरा फंस चुका है। बॉल तो डॉट दी लेकिन कीपर की वजह से, कीपर ने नहीं पकड़ पाई बॉल सही। क्या आज सुपर ओवर मैच देखने को मिलेगा, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है इस टूर्नामेंट में, कोई सुपर ओवर नहीं हुआ है। क्या ये मैच में सुपर ओवर देखने को मिलेगा। एक बॉल दो रन, दर्शक काफी रोमांचक, कुछ कहना मुश्किल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बॉल पर ही पता चलेगा। एक बॉल दो रन, 5% बचो, बहुत देर से तड़प रहे थे स्टैक पर आने के लिए। मैच को आराम से फील्डिंग चार्ज की जाओ, बाउंड्री से कृपया सभी दर्शक दूर रहे। एक बॉल दो रन, जब तक बॉल ना हो जाए तब तक कोई रोमांच ना हो। जिन्होंने गलती तो की थी लेकिन क्या बताया, उन्होंने कैच नहीं पकड़ पाया। शॉट उठाकर मैन ऑफ द मैच काने, काफी रोमांचक मोड़ पर था इस मैच, जो एक पहला मैच था जो बहुत ही रोमांचक। क्या मजा आया है दर्शकों को, फुल पैसा वसूल मैच था ये।
सभी दर्शकों को धन्यवाद जो इस मैच को रोमांचक साझा दिया। कैसो मैच मैन ऑफ द मैन कौन है? अगर ये कैच ले लेते तो मैच पुलिस लाइन जीत जाती, लेकिन ये कैच पूरा मैच था। इस मैच को ले सकते थे लेकिन सीधी नहीं मिला पाई। उमरी टीम बाग और किस्मत दोनों उनके साथ हैं। उमरी टीम बजरंग बली को साथ लेकर आती है, शायद उन्होंने सुन ली। आज पता चल गया भगवान भी साथ देता है अगर नाम लेते हैं उनका। तो बजरंग बली चल रही है।